नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आयरन नेल यानी कि आप वायर नेल मेकिंग इंडस्ट्री आप खुद का कैसे सेटअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी दिया है कि अगर आपको यहाँ पे वायर नेल मेकिंग इंडस्ट्री ओपन करना है तो इसके लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, प्लस आपको यहाँ पे कौन कौन से मशीनों को आपको परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, और फ्रेंड्स आपके इंडस्ट्री से पर मंथ का नेट प्रॉफिट कितना होगा, ये भी मैंने आपको पूरी डिटेल में दिखाया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए वीडियो है फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग और बिजनेस के रिगार्डिंग, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि आप वायर नेल का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों सेटअप करेंगे, क्या वायर नेल का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन करना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लेरिफाई कर दूं कि आप जो भी अपने इंडस्ट्री से आप आयरन नेल या वायर नेल आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इस आयरन नेल का जो है हर एक जगह पे रिक्वायरमेंट है। जैसा कि जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसके बाद जितने भी फर्नीचर बनाए जाते हैं, सभी में जो है यहाँ पे आयरन नेल का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो वायर नेल मेकिंग का बिजनेस है, इसका डिमांड जो है 12 मंथ्स तक रहता है, यानी कि पूरे साल जो है इस आयरन नेल का डिमांड रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप एंटर करने की सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप यहां पे आयरन नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो है आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, आपके पास में 300 से लेके 500 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, जहाँ पे आप वायर नेल की फैक्ट्री आप सेटअप कर सकें। उसके बाद जो दूसरा रिक्वायरमेंट है, आपको दो वर्कर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा, एक स्किल वर्कर का और एक जो है आपको सेमी स्किल वर्कर यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद जो है आपको एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखना पड़ेगा, जो भी आप कांटी यानी कि जो भी आप आयरन नेल आप अपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उसको मार्केट में सेल करने के लिए जो है आपको यहाँ पे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको इस इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका खुद का पर्सनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद अगर हम लोग लाइसेंस की बात करें, तो यहाँ पे जो सबसे पहला लाइसेंस है आपको MSME लाइसेंस लेना पड़ेगा, GST नंबर भी यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अपना खुद का कोई ट्रेडमार्क रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC एक आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको अपना वायर नेल का जो इंडस्ट्री है, अगर आपको लोन पे अगर उसको स्टार्ट करना है या सेटअप करना है, तो उसके लिए दो लोन का फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। पहला जो लोन फैसिलिटी है उसको मुद्रा लोन बोलते हैं, एंड जो दूसरा फैसिलिटी है वो PMEGP लोन है। फ्रेंड्स, आप ये दोनों स्कीम के अंदर जो है आप अपना वायर नेल मेकिंग इंडस्ट्री जो है आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको लोन लेके अपना वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर सेटअप करना है, तो इसके लिए जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि यहाँ पे आप जो भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, आपको उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका लास्ट 3 ईयर्स का IDR भी यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद जो है आपका जिस बैंक में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होगा, उसका लास्ट 1 ईयर का जो है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। फ्रेंड्स, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको नेल वायर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कौन कौन से यहाँ पे रॉ मटेरियल लगेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात करें, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है आपको वायर लगने वाला है, या सील्ड वायर बोल सकते हैं। जैसे कि ये जो सील्ड वायर है आपको मार्केट में 32 से 35 रुपया पर केजी के हिसाब से आपको मिलता है, पर कभी भी आप कंपनी से ऑर्डर करेंगे तो आपको मिनिमम जो है 1 टन का आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कंपनी में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीनें आपको परचेस करने पड़ेंगे, और अभी इस मशीन का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे मशीनरी की बात करें, तो सबसे पहला जो मशीनरी है आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वायर नेल मेकिंग मशीन लगेगा, जिसके साथ जो है आपको 5 HP का मोटर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मशीन का जो कैपेसिटी है 850 kg पर डे का है।
उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मशीन से आपका जो नेल का लेंथ है वो कितना तक निकल सकता है, 1.5 इंच से लेकर 4 इंच तक जो है आप इस मशीन से आप नेल वायर का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इस मशीन का जो प्राइस है 2,80,000 रुपया है। देन उसके बाद आपको पॉलिशिंग ड्रम का यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसका मार्केट में प्राइस अभी 70,000 रुपीज़ चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्राइंडर एंड कटर का आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। और इस मशीन के साथ में जो है आपको 1 HP का मोटर भी जो है आपको दिया जाएगा, जिसका मार्केट में प्राइस अभी 35,000 दिया गया है। उसके बाद जो है आपको वायर स्टैंड का रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसको हम लोग स्पूल भी बोलते हैं। इसका जो अभी मार्केट में प्राइस है आपका 5,000 रुपया अभी चल रहा है। देन उसके बाद आपको अदर इक्विपमेंट और हैंड टूल जो है यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि ग्रीस हुआ, रिंच हुआ, तो ऐसे और भी बहुत सारे जो है इक्विपमेंट जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके लिए यहाँ पे जो है आपको 2,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप ये सारे मशीनरी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल मशीनरी कॉस्ट है 3,92,000 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जो है आपको इस मशीन कॉस्ट पे जो है आपको 18% का GST का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल जो अमाउंट है आपको 4,62,560 रुपये जो है आपका टोटल मशीन का यहाँ पे कॉस्ट आने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कंपनी से कोटेशन मंगाया था, मैं उस कोटेशन को आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने जिस कंपनी से कोटेशन मंगाया था वो मुझे इस प्रकार से प्राइस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं वायर नेल मेकिंग सेटअप, यहाँ पे 4 मशीन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला जो है आपको फुल्ली ऑटोमेटिक नेल मेकिंग मशीन यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसका दाम जो मैंने आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पे जो है पॉलिशिंग ड्रम है, जिसका 17,000 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पे जो है सारा चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, उसका नेल पॉलिशिंग जो है कितने मिनट में कर देगा। तो ये सारी चीज़ जो है आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ग्राइंडर का यहाँ पे प्राइस 35,000 दिखाया गया है। और यहाँ पे स्पूल, जिसको हम लोग वायर स्टैंड भी बोलते हैं, इसी में जो है आपका रॉ मेटल जो वायर रहेगा वो इसमें लगा रहेगा। उसके बाद जो है उसका एक एंड जो है मशीन के अंदर लगा रहता है। तो इसका जो प्राइस है अभी 5,000 मुझे कंपनी की तरफ से दिया गया है। टोटल जो अमाउंट है 3,90,000 आपका लगने वाला है। तो सेम अमाउंट जो है मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे देख रहे हैं सेम अमाउंट जो है मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है अदर इक्विपमेंट्स एंड हैंड टूल का, क्योंकि ये आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, इसका भी कॉस्ट आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एवर मशीनरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेरी एज पर लोकेशन। मैंने ऊपर का जो भी मशीनरी कॉस्ट कैलकुलेट किया है उसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फ्राइट चार्जेस मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने एरिया के हिसाब से अगर ऐड करता हूँ, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन से मशीन को परचेस कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है आपको लगने वाला है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि आपको इस इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है आपको लैंड बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर इंस्टॉलेशन करने में यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है आपको प्लांट एंड मशीनरी जो है आपको परचेस करने में लग जाएगा। यहाँ पे मैंने प्लांट एंड मशीनरी का 5 लाख रुपया मैंने टोटल कॉस्ट कंसिडर किया है। इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इंक्लूड है। यहाँ पे देख रहे हैं 4,62,560 रुपये जो है आपका टोटल मशीन का कॉस्ट आ रहा था, उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने अप्रोक्स जो है 5 लाख कंसिडर किया है। देन उसके बाद जो है आपको अपने इंडस्ट्री का लाइसेंस लेने में आपको 50,000 रुपये जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका चौथा इन्वेस्टमेंट है आपको रॉ मटेरियल परचेस करने में लगेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी से आपको मिनिमम जो है 1 टन का ऑर्डर करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है 32,000 रुपये जो है आपको रॉ मटेरियल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका फिफ्थ इन्वेस्टमेंट है आपको जूट सेक यहाँ पे परचेस करने में लगेगा। आपके इंडस्ट्री से जो भी फाइनल प्रोडक्ट वायर नेल निकलेगा उसको आपको पैकेजिंग भी करके आपको मार्केट में सेल करना पड़ेगा, तो आपको जो है उसको जूट के बोरे में उसको पैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपको 5,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी 18 से 20 रुपये का प्राइस अभी चल रहा है जूट बोरा का। देन उसके बाद जो आपका सिक्स्थ इन्वेस्टमेंट है आपको एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में यहाँ पे लगने वाला है। आप कोई नया इंडस्ट्री ओपन करते हैं तो मार्केट में आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तभी तो लोग जानेंगे कि आपका जो है कोई इंडस्ट्री है और आप अपने इंडस्ट्री से वायर नेल बना रहे हैं। तो उसके लिए जो है आपको 10,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका सेवेंथ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपको हेवी ड्यूटी TVS मोटरसाइकिल आपको परचेस करना पड़ेगा। आपके इंडस्ट्री से जो भी फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो आपको उसको जो है रिटेलर या होलसेलर तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे हेवी ड्यूटी TVS मोटरसाइकिल का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो जिसका मैंने यहाँ पे अमाउंट जो है 50,000 का यहाँ पे कंसिडर किया है। अगर आप ये सारे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अप्रॉक्स 8 लाख रुपया यहाँ पे आने वाला है।
उसके बाद जो है आपको 1,00,000 रुपया वर्किंग कैपिटल यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को आप किसी होलसेलर या रिटेलर को आप अपना माल सेल करेंगे तो वो पहले आपसे उधार लेगा, वो बोलेगा कि मैं आपका पूरा माल सेल करके जो है आपको पैसे दूंगा, तो आपको स्टार्टिंग में जो है मार्केट में उधार रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आपके पास में 1,00,000 का कैपिटल होना चाहिए, ताकि आप अपने इंडस्ट्री के वर्कर को और आप अपने इंडस्ट्री में जो भी लगने वाला रॉ मटेरियल है उसको परचेस करने के लिए आपके पास में इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप वायर नेल मेकिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आपको 9,00,000 रुपया यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि अगर आप वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 9,00,000 रुपया आपको लगने वाला है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आप पर मंथ का नेट प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने दिखाया है कि आपके वायर नेल मेकिंग इंडस्ट्री से पर मंथ का नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो यहाँ पे पहला जो देख रहे हैं रॉ मटेरियल का, आपको रॉ मटेरियल जो है मार्केट में 32 से 35 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दिखाया है 1 केजी का आपको कितना लगने वाला है। यहाँ पे 32 रुपये जो है आपका रॉ मटेरियल का दाम, उसके बाद यहाँ पे 3 रुपये जो है आपको लेबर प्लस इलेक्ट्रिसिटी आपको कॉस्ट लगने वाला है। उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 1 केजी का 35 रुपये यहाँ पे आपको आने वाला है। तो जो भी आपका 1 केजी का 35 रुपये कॉस्ट आ रहा है उसी को जो है आप मार्केट में 45 से 50 रुपया पर केजी के हिसाब से आप मार्केट में सेल करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में आयरन नेल का जो प्राइस है वो 56 रुपये पर केजी के हिसाब से है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आप 45 से 50 रुपये केजी में जो है आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट पर केजी जो है आप 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक जो है आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आप परचेस करेंगे उस मशीन का कैपेसिटी जो है 850 केजी पर डे का है। तो यहाँ पे मैंने एवरेज जो है 600 केजी कंसिडर किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं पर मंथ का मैंने कैलकुलेट करके बताया है कि आपका इंडस्ट्री से पर मंथ का कितना प्रोडक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे आपके इंडस्ट्री का 26 डेज जो है मैंने यहाँ कंसीडर किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है आपका पर मंथ का जो नेट प्रोडक्शन है 15,600 केजी यहाँ पे आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे एवरेज जो है 15,000 केजी का मैंने कंसीडर किया है। तो इसके हिसाब से आपके इंडस्ट्री का जो ग्रॉस प्रॉफिट है पर मंथ का यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। अगर आप यहाँ पर केजी पे अगर 10 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है पर मंथ का आपके इंडस्ट्री का 1,50,000 रुपया यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आपके इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको जानना होगा कि आपके इंडस्ट्री का मंथली एक्सपेंस क्या क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने मंथली एक्सपेंस आपके इंडस्ट्री का कैलकुलेट करके दिखाया है। यहाँ पे जो पहला एक्सपेंस है, आप अपने इंडस्ट्री में जो भी आप वर्कर रखेंगे उसको आपको सैलरी देने में जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे जो है एक स्किल लेवल रखेंगे और दूसरा जो है अनस्किल रहेगा, उसके बाद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो टोटल सैलरी है आपको महीने में 25,000 रुपये आपको यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए जो है मैंने 5,000 महीने का कंसिडर किया है। उसके बाद जो है आपको अपने इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का जो है आपको एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है आपको पर मंथ जो है 5,000 यहाँ पे आपको खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस खर्च मैंने यहाँ कंसीडर किया है, जैसे कि आप जो GST लेंगे उसका रिटर्न महीने महीने आपको फाइल करना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा होगा, तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे 10,000 पर मंथ एक्सपेंस को कंसीडर किया है। तो अगर आप ये सारे मंथली एक्सपेंस को कैलकुलेट करेंगे तो आपके इंडस्ट्री का पर मंथ का जो टोटल एक्सपेंस है 45,000 रुपये यहाँ पे आने वाला है। तो इसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है कि आपके इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है आपके इंडस्ट्री का और जो भी आपके इंडस्ट्री का मंथली एक्सपेंस है उसको मैंने इसमें से माइनस किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट पर मंथ का 1,05,000 रुपया यहाँ पे आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा कि आप महीने में जो है 1,05,000 रुपया कमा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने इंडस्ट्री में महीने का जो 15,000 केजी का आप वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप उस 15,000 केजी को आप पूरा मार्केट में महीने में सेल करते हैं तभी जाके जो है आपको 1,05,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आपके इंडस्ट्री से आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप खास ध्यान रखें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मार्केटिंग की। फ्रेंड्स, आप अपने इंडस्ट्री से जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस प्रोडक्ट को पहले सेल करने के लिए आपको लोकल मार्केट को एक्वायर करना पड़ेगा। आपके नियर बाय में जो भी रिटेलर होगा या होलसेलर होगा तो पहले आपको उसको अप्रोच करना है और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों को बताना है, तभी जाके जो है आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। देन उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है आप बना सकते हैं, पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शुरू में अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने माल को डायरेक्टली रिटेलर या होलसेलर तक पहुंचा सके, तभी जाके जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, वहाँ पर भी जो है आप अपने नेल वायर को आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर भी जो है आप अपने नेल वायर को सेल कर सकते हैं, जैसे ट्रेड इंडिया हुआ, इंडिया मार्ट हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म है। आप जब नेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म के जो है आपको वेबसाइट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग क्लियर है कि अगर आप अपने इंडस्ट्री से नेल वायर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसको आप कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, तो ये सारे जगह पे भी जो है आप अपने वायर नेल प्रोडक्ट को जो है आप सेल कर सकते हैं। और फ्रेंड, जिन लोगों को वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करना है, वैसे लोग जो है मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप अपने इंडस्ट्री के लिए मशीन और रॉ मटेरियल जो है आप कहां से परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोगों को चाहिए, तो फ्रेंड्स वैसे लोग भी जो है मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों को जो कंपनी है वो आप लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आप लोगों को आयरन नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको वहाँ पे आंसर भी करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूँगा कि आप वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं पता है कि वो आयरन नेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सके, उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।